बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन को हाल ही में दोस्ताना 2 से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। कार्तिक के फिल्म से बाहर होने के बाद मेकर्स फिल्म के लिए नए चेहरे की तलाश कर रहे थे। ऐसे में खबर आ रही कि फिल्म में कार्तिक की जगह करण जौहर अब अक्षय कुमार को लेने जा रहे हैं। रिपोर्ट की माने तो कहा जा रहा है कि 2022 में फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू होने वाली है। हालांकि फिल्म के मेकर्स की तरफ से इस बात की अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई कि वाकई अक्षय को फिल्म के लिए साइन कर लिया गया है या फिर नहीं। वेल, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अक्षय कुमार और करण जौहर के आपसी रिश्ते काफी अच्छे हैं। इससे पहले अक्षय कुमार ने केसरी और गुड न्यूज दोनों 2019 में धर्मा प्रोडक्शन के साथ किया था। दोनों ही फिल्में पर्दे पर सुपरहिट हुई थी। ऐसे में रिपोर्ट्स जो आ रही है सामने, हो सकता है कि अगली फिल्म में अक्षय कुमार हो सकते हैं। हालांकि इन दिनों एक्टर अपने बाकी के प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं, इसी वजह से वो इस फिल्म की शूटिंग 2022 में शुरू कर सकते हैं। इससे पहले खबर आई थी कि कार्तिक के बाहर होने के बाद करण ने अक्षय से ही फिल्म करने के लिए रिक्वेस्ट की है। खबरों में आया था कि करण जौहर ने अक्षय से इस फिल्म को ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट किया, क्योंकि देखा जाए तो इसकी शूटिंग पर ऑलरेडी काफी पैसा खर्च हो चुका है। हाल ही में मेकर्स ने कार्तिक के फिल्म से बाहर किए जाने की अनाउंसमेंट की थी। जानकारी देते हुए लिखा गया था, कुछ प्रोफेशनल सिचुएशन के कारण हमने तय किया कि हम इस पर कुछ भी अभी नहीं बोलेंगे। दोस्ताना 2 की हम दोबारा से कास्टिंग करेंगे। इसका डायरेक्शन कालिन डी कुलना द्वारा किया जाएगा। जल्दी ऑफिशियली आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। दोस्ताना 2 से बाहर होने के बाद से अभी तक कार्तिक आर्यन ने कोई बयान पेश नहीं किया। कार्तिक ने इस पूरी प्रतिक्रिया पर अपनी चुप्पी बांधी हुई है। हालांकि फिल्म से बाहर निकालने के बाद लोगों ने करण जौहर की फिर से क्लास लगाई, जमकर निशाना साधा। लोगों ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो दोस्ताना 2 का बायकॉट करेंगे। वेल, अब देखना होगा कि क्या सच में इस फिल्म में अक्षय कुमार आने वाले हैं, क्या करण ने रिक्वेस्ट किया अक्षय कुमार से, ये तो आने वाले कुछ ही समय में पता चल जाएगा। वेल, आप क्या कहते हैं कि अक्षय कुमार फिल्म में चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।